मोटे अनाज का अधिक से अधिक उत्पादन उपयोग करने की अपील करते हुए राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर के छात्र छात्राओं ने नगर में जागरूकता रैली निकाली है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने मोटे अनाज की पौष्टिकता तथा मोटे अनाज के प्रयोग से शरीर में होने वाले फायदे के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रधानाचार्य दीपचंद्र जोशी ने मोटे अनाज के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ज्वार, बाजरा, मड़ुआ आदि मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। मोटे अनाज में अन्य अनाज की अपेक्षा अधिक प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर की मात्रा पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस वर्ष को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। रैली में विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित शिक्षक भी शामिल हुए हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में के तहत आज विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में के छात्र छात्राओं के द्वारा एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें रैली से पहले छात्र छात्राओं को मोटे अनाज के सेवन से होने वाले लाभों की जानकारी दी। उनको बताया गया कि वर्ष भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। हमें मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए, आम जन को इसकी जानकारी देने के लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमें मोटा अनाज अपनाना चाहिए क्योंकि ये पौष्टिक होता है, इसमें फाइबर होता है, इसमें प्रोटीन होता है, आयरन होता है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हमें मोटे अनाज को अपनाएं, इस जानकारी को देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। रैली में शामिल छात्रों ने मोटा अनाज अपनाओ, सुखी जीवन बिताओ, मोटा अनाज पौष्टिक अनाज, मोटा आहार मोटा अनाज पौष्टिक आहार, इस तरह इस नारों के साथ जन जागरूकता रैली निकाली। सीजीएन न्यूज के ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।